नमस्कार, रेडियो गोरखपुर से मैं मार्तंड आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्मार्ट और रेडियो गोरखपुर 90.8 का खास कार्यक्रम द टीवी चैलेंज में आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं। हमारे बीच हैं सहजनवा स्वास्थ्य केंद्र के सीएससी के अरशद आलम जी, जो कि वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारी हैं क्षय रोग नियंत्रण के। तो अरशद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि आपके स्वास्थ्य केंद्र सहजनवा से क्या एक्टिविटी टीबी को दूर करने के लिए किया जा रहा है और किस तरीके का उम्दा काम इस लक्ष्य के साथ किया जा रहा है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाया जाए। मैं अरशद आलम, सीनियर टीबी लैब सुपरवाइज़र सीएससी सहजनवा में पोस्टेड हूँ, जिला क्षय रोग केंद्र से। और मैं यहाँ पे, हमारी पोस्टिंग जो है 2006 से ही है, नवंबर 2006 से हमारी ज्वाइनिंग है और आज भी मैं सहजनवा में ही हूँ। और यहाँ पे शुरुआत में बहुत सारे मशीनें नहीं थीं, लेकिन अब जैसे लक्ष्य करीब आ रहा है, सारी सुविधाओं से लैस कर दिया गया यहाँ सहजनवा सीएससी को भी, और जितने हमारे टीबी के पेशेंट्स आते हैं हम उनकी, मतलब उनके हिसाब से बलगम की जाँच और एक्सरे करा के अपने, अगर उनको निकलती है टीबी तो अपने स्वास्थ्य केंद्र पर उनको क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन करके अपने पास रखते हैं और उनको अपने यहाँ डॉट्स पे स्टार्ट करते हैं, उनकी दवा स्टार्ट करते हैं। जी। ये नियमित जांच होती है? नियमित जांच होती है। जैसे कोई पेशेंट कोई भी आए, अगर उसको लग रहा है कि हमको सिम्टम है कि हमको खांसी आ रही है 2 हफ्ते से अधिक की, बुखार हमें शाम को हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, खून आ रही है बलगम के साथ, या हमारा वज़न लगातार कम हो रहा है, तो हम लोग सलाह देते हैं तुरंत आप एक्सरे करवा लीजिए और एक बलगम की जाँच करवा लीजिए। जी। अच्छा अरशद जी, ये मुझे बताएं कि आपके क्षेत्र सहजनवा में मरीजों की संख्या ज़्यादा है कि कम है कि बेहतर है, किस तरीके का है? मरीजों की संख्या तो पहले से कुछ कम हुई है, लेकिन आज भी हमारे अपने इस वक्त जिसके हम दवा चला रहे हैं वो 204 पेशेंट हैं, और 204 पेशेंट हैं, लेकिन इस साल के अगर पेशेंट देखे जाएंगे तो 294 पेशेंट हमारे हैं जो दवा खा रहे हैं, वो 204 पेशेंट अभी इस वक्त चल रहे हैं हमारे यहाँ के। जी ग्रुप सहजनवा से। जी। अच्छा सर, ये बताएं कि जो टीबी की दवाएं सारे, वो सारी दवाएं फ्री मिलती हैं? जी, सारी दवाएं फ्री हैं हमारे यहाँ। 204 पेशेंट चल रहे हैं जो नॉर्मल टीबी हैं, और 16 पेशेंट ऐसे हैं जो MDR हैं। अच्छा। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी वाले हैं, वो भी हमारे यहाँ 16 पेशेंट चल रहे हैं। इनकी सारी दवाइयाँ इनकी फ्री, सारी दवाएँ फ्री होती है यहाँ से। हम लोग गोरखपुर से दवा हमारे यहाँ चली जाती है सहजनवा पे, यहाँ से हम सबको फिर अपने नाम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा सरकार से कुछ सहयोग? सरकार से सहयोग ये है कि जो पेशेंट्स हमारे टीबी की दवा खा रहे हैं, सरकार की तरफ से निश्चय पोषण योजना के तहत 500 रुपया हर महीने उनके खाते में जाती है। जब तक उनकी दवा चलेगी तब तक ये 500 रुपये उनके खाते में जाते अच्छा, रहेगी। ये तो ये निश्चय पोषण योजना का यही उद्देश्य है, 500 रुपये भेजना, क्योंकि मैं पूछने वाला भी था, मेरा अगला प्रश्न था कि जो सरकार की ये योजना है किस तरह काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रहा है। कभी कभार होता है बजट के आधार पर नहीं मिलता है, लेकिन फिर इकट्ठा ही वो चला जाता है बन के, जितने महीने का रुका रहता है उतने महीने का इकट्ठे बन के चला जाता है। हर महीने 500 जाते ही जाता है जब तक पेशेंट की दवा चल रही है। तो एक टीबी तो एक ऐसी बीमारी है, बड़ा लोग शर्माते हैं बोलने में और जल्दी सीएससी पे आते नहीं है, जांच कराने नहीं आते हैं, तो कैसे आप, बड़ा खोजना मुश्किल होता होगा, या टीबी उनके अंदर है 2-3 महीना हो चुका, वो बताए नहीं, शर्माएं, बचा के रखें, उसके बाद अंत समय पर वो आते हैं, तो उनको हैंडल करना कितना कठिन होता है? बहुत कठिन होता है एक्चुअली। पेशेंट बताते हैं नहीं, वो पहले झोले छाप डॉक्टरों पर जाएंगे, फिर उसके बाद बगल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ चोरी छुपे खाएंगे, तब जो है सुनते, जब उनका पैसा धीरे धीरे ख़त्म होता है तब वो सरकार की तरफ भागते हैं। जब पैसा उनके पास कम होने लगेगा चलो अब सरकारी पास चलते हैं। आते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, वो आते हैं, हम फिर उनका इलाज अपने स्तर से फिर पूरी जाँच करवाते हैं उनकी, हम जाँच करवा के फिर उसके बाद अपने स्तर से उनको हम दवा स्टार्ट करते हैं, दवा करा के चलाते हैं। 500 रुपये पोषण योजना ही मिल रहे हैं, उनको खा भी रहे हैं, दवा भी खा रहे हैं। नियमित जो अच्छे से दवा कर रहा है वो एकदम 2 ही महीने में उसको दिखने लगता है कि पेशेंट ठीक हो रहा है हमारा। जी। बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत सारे पेशेंट हमारे ठीक हुए, आज आते हैं मिलते हैं, हम लोग के लिए बिस्किट नमकीन लेके आते हैं कि अरे सर हमारा, आपने आप ठीक किए हैं हमको,
बहुत अंदर से बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को। वाकई समाज सेवा है, बहुत अच्छा उम्दा काम है कि क्योंकि कोविड के साथ साथ हम कहीं ना कहीं टीवी को भूल गए थे बीच में, और जो कि सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक टीवी मुक्त भारत बनाना है, और स्लोगन भी है कि टीवी हारेगा देश जीतेगा, तो इस भावना और उद्देश्य के साथ आप समाज सेवा कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी इस अच्छे और नेक काम के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अरशद आलम जी सहजनवा स्वास्थ्य केंद्र से, जो अपने क्षेत्र में टीवी को दूर करने के लिए ये सारे अच्छे काम कर रहे हैं। तो अगर आपके भी अगल बगल कोई भी टीवी का मरीज हो तो उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं और उसकी जांच करवाएं, तभी हम इस लक्ष्य के साथ टीवी को हरा पाएंगे और देश को जिता पाएंगे। सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो गोरखपुर 90.8, गुनगुनाओ अपनी धुन।